सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं खेलूंगा माइनक्राफ्ट। यह है माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन। एंड गाइस, अगर आपको भी माइनक्राफ्ट पसंद है तो लाइक करना, चैनल को दी सब्सक्राइब करना। चलो यार, माइनक्राफ्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड यार, अपना आपको सर्वर दिखाता हूँ। अगर आप में से कोई भी मेडिसिन उसमें अगर इंटरेस्टेड है तो इसमें यार जल्दी से आके कर लो। तो यार, वर्ड क्रिएट करते हैं हम। वर्ड का नाम रखेंगे हम, चैनल का नाम है जो ऑक्सफोर्ड गेमिंग। तो यार, सभी कुछ रख के कर दिया हमने। तो चलो यार, अभी वर्ड को करते हैं स्टार्ट। एंड यार, तो चलो यार, कर दिया हमने वर्ड को क्रिएट। तो चलो गाइस, यार अभी हमारा वर्ड जनरेट हो चुका है। एंड यार, ये कौन सी बायोम यार, ये तो मेरे को बहुत ही गंदी बायोम लगती है गाइस। इस बायोम में ना मेरे को कोई भी अच्छी कभी भी अच्छी नहीं लगती ये वाली बायोम, इस पर ट्रिगर इंसान खेलता है। तो अभी मेरे को ये बिल्कुल शीप मिल गई। चलो गाइस यार, शीप मिल गई, बेड की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो यार, मैं सभी लोग शीप पहले पेड़ काटते हैं। सबसे पहले माइनक्राफ्ट में आके ये मैं पहले बंदा हूँ जो शीप को मार रहा था, शीप को काट रहा था। चलो यार, पेड़ काट लेते हैं तो फिर करते हैं बाकी का काम। एंड गाइस, इतने में मैं पेड़ काट रहा हूँ। एंड तो यार, आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो यार, जाके प्लीज़। इससे पहले मैंने ना फ्री फायर एंड BGMI की वीडियोस डाली थी। एंड यार, जल्दी से वो भी देख लो अगर आपको नहीं देखी, अगर आपने आप में से किसी ने। एंड यार देखो, मैंने अभी पेड़ काट लिए। तो अभी हम विलेज को फाइंड करते करते आगे चलते हैं। पहले तो ये सबसे मुश्किल टास्क, इससे ऊपर चढ़ना पड़ता है। एंड यही बहुत सीरियस पार्ट है हमारे लिए। सोके गाइस, तो अभी यार मैं ना अभी प्लैंक्स बना रहा हूँ वुड्स के, और अभी मैं बना रहा हूँ स्टिक्स। एंड यार, मैं अभी अपने अपने जो मेन टूल्स होते हैं मेरे वो बना लेता हूँ मैं। एक मिनट, सबसे पहले तो ये वूल वगैरह सभी साइड में रखो इसको। अभी उसके बाद मैं सबसे पहले बनाऊँगा अपनी स्वॉर्ड, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये बन गई हमारी स्वॉर्ड, ये बन गई हमारी पिकेक्स, एंड ये बन गई हमारी एक्स। चलो यार, अभी चलता हूँ। अभी एक तो यार ये ना जो ये आ रहे ना एक्सबॉक्स की, वो मैंने साइन इन कर रखा, पता नहीं कैसे कर, मेरे ब्रदर ने सिखाया था मुझे साइन इन करना, तो मैं वैसे करके रखा हुआ है। एंड अभी यार ये बार बार आ रहा है, तो सब चलो सबसे पहले यार इस क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से निकालते हैं एंड चलते हैं आगे को। तो सबसे पहले मैं अपनी तलवार हाथ में पकड़ लूँ, कोई पता नहीं कौन सा जानवर हम पे अटैक कर दे। तो यहाँ पे एक घोड़ा, इसको कुछ भी नहीं करते हैं। चलो यार, तलवार की टेस्टिंग करते हैं, ये अपना। तो चलो यार, एक ही फटके में यार ये मुर्गी तो ख़त्म हो गई। तो चलो यार, आज का मतलब आज की एक माइन भी नहीं मिली अभी तक मेरे को ना, आज की बोल रहा हूँ मैं, अभी तक मुझे एक माइन भी नहीं मिली अभी तक। तो यार, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा। एक मिनट, ये उसकी साउंड कहाँ से आई? एक इसकी साउंड ऐसे लगी जैसे कोई ज़ोंबी घूम रहा है दिन में ही, भाई पता नहीं क्यों लगा ऐसे। टाइम टू माइन, यार ये देखो माइनिंग के लिए भी वो आ गया कि टाइम हो गया माइनिंग के आपका। तो यार, अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने बेड अभी क्यों बना लिया। बेड मेरा बनाने का मोटिव है, अगर मेरे पर भी रात को तो चलो मैं सो जाऊँगा, अगर मेरे को सोने के लिए जगह नहीं मिली और अगर मेरे को लड़ाई करते करते मैं अगर तो मैं रिस्पॉन वो करके उस पर सेट करके रिस्पॉन पॉइंट सेट करके डायरेक्ट से अपने सामान वगैरह लूट लूँगा। एंड चलते हैं एक और शीप, इसको आप कुछ नहीं कहते, एक और लामा। एंड गाइस, अभी यार मेरे को दिख गई है थोड़ी सी स्नो, एंड देखता हूँ कैसी स्नो है। ये दूसरी वाली लग गई मेरे को। चलो गाइस यार, एक मिनट, ओ भाई भाई, निकलो। इतने अच्छा, पहले स्नो तोड़नी पड़ गई यार, तोड़ो। निकलो। भाई साहब, काउटीपर गाइस, यार एक कमेंट में बताना ये काउटीपर क्या चीज़ है। जिनको माइनक्राफ्ट के बारे में पता है वो बताना कि काउटीपर क्या है, ये कौन सी वो है अचीवमेंट है, प्लीज़ यार। चलो अब इस सुअर की बलि देते हैं गाइस। यार ये है नहीं, तगड़ी नहीं है तलवार, एक सिर्फ उसको मुर्गी को ही मार सकती है। चलो पहले देखते हैं इसका क्या मिलता है। पॉक चॉप यार, रॉ पॉक चॉप नेचर का है। तो चलो गाइस यार, अभी हम विलेज की तलाश में और माइन की तलाश में घूम रहे हैं। एक मिनट यार, यहाँ पे तो बीज है, भागो भाई। बीज से ना बच के रहना पड़ता है, कब कोई पता नहीं है कब हमला कर दें।
अगर गलती से भी टच हो गए इनके उधर तो। तो इसलिए शांति से अपना निकलते रहो। एक और शिप दिख गई तो मैं ऐसे सीड कलेक्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या बनता है। सो गाइस यार, मेरे को ऐसा लगा कि ये केव है एंड यार अभी सुअर का शिकार करते हैं फिर से पॉक चॉप पाने के लिए। चलो ये मर गया चूहा बोल रहा हूँ। सो गाइस यार, फाइनली अपने को एक केव मिल चुकी है एंड थोड़ी सी ये अपने ये कर लेते हैं माइन, अपने क्या बोलते हैं इसको, स्टोन वगैरह। सो ओके गाइस यार, अभी मैं निकल चुका हूँ केव के बाहर एंड ओ भाई विलेज मिल गया। चलो गाइस यार, पहले सुअर का शिकार ही कर लेते हैं यार, विलेज में बाद में जाते हैं, सामने तो है। चलो यार, सुअर का शिकार हो चुका है एंड एक और मिल दिख रहा है मेरे को, तो देखते हैं उसका शिकार करना चाहिए कि नहीं। चलो कर ही लेते हैं अभी। एक दो फटके में मर गया यार, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। और सब अभी मैंने और सब कुछ नहीं, अभी मेरे को क्राफ्टिंग टेबल और मैंने ये बना लिया है एंड अभी थोड़ा सा फर्नेस में ये डाल लेता हूँ मैं, फर्नेस में खाना पकाने के लिए। और उसके बाद चलते हैं, खाना खा के चलते हैं अपने विलेज में। Thank you.
सो गाइस यार फाइनली मेरे को विलेज मिल चुका है एंड यार एक बहुत बढ़िया जगह एंड यहाँ पे सुअर है कुछ और एक गाय माता है एंड चलो यार पहले इस सुअर को ही मार के आते हैं, बहुत फुदक रहा है। एक मिनट, चलो 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 आराम से यार फटक, छोड़ो 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 यार, अब छोड़ो यार, क्या क्या ही मारूँ मैं, फिर से नीचे जा रहा हूँ, मेरे को दोबारा से नीचे नहीं जाना, बहुत मुश्किल से पहले ही ऊपर चढ़ा हूँ। तो चलो गाइस यार अभी मैं चलता हूँ विलेज के ओर एंड यार किसी विलेजर से पूछता हूँ कि मेरे को रहने के लिए घर मिल जाएगा कि नहीं। तो चलो यार चलते हैं। तो यार पहले इस सुअर का ही काम तमाम कर देता हूँ फिर अंदर जाता हूँ। हेलो, कोई है अंकल जी घर में? कोई है यहाँ? तो मेरे को कोई नहीं दिख रहा। ओ मिले एक अंकल जी। हेलो अंकल जी, नमस्ते। हेलो, क्या हो गया अंकल जी? अरे अंकल जी क्या हो गया? हेलो अंकल जी। हाँ बेटा, हाँ बोलो। हेलो अंकल जी नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया बेटा, तू सुना? अंकल वो तो सब ठीक है, मेरे को रहने के लिए घर चाहिए था। वो वाला मिल जाएगा जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है, लामा लामा वाला। ओके अंकल। तो चलो गाइस यार अंकल से अभी बात हो गई है, तो पहले यार अंकल कुछ बोले ना। तो चलो यार अभी अंकल से बात हो चुकी है, अंकल ने बोला जिसके ऊपर वो लामा खड़ा हुआ है वो वाला घर मेरा है एंड देखते हैं वो क्या चीज़ है, कौन सा घर। अरे यार ये तो कुआं है कोई यार, अंकल मेरे साथ स्कैम कर गया। मारो 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 इसको, मारो यार मेरे को, लेकिन उसको मारूंगा मैं लीड भी अंदर, क्योंकि अबे यार अभी मैंने कर दिया ना नुकसान। चलो यार पहले तो यार रात हो गई है, पहले मेरे को घर ढूंढना पड़ेगा यार जिसमें बेड ना लगाओ। यहाँ पे तो अंकल सो गए हैं, फार्मर सो गए अंकल, फार्मर। अरे अंकल, यार अंकल को अब क्या ही आवाज़ लगानी। तो चलो यार अभी मैं चलता हूँ, अभी कोई घर ढूंढता हूँ जिसके अंदर ना आए कुछ बेड वगैरह ना हो। हेलो अंकल नमस्ते। वो बिना बेड वाला घर ये साथ नहीं है। चलो यार ये साथ में ही है, बिना बेड वाला घर मिल गया है। तो चलो गाइस यार अभी बिना बेड वाला घर मिल गया है एंड यहाँ पे अपना बेड लगाते हैं। एक मिनट, ये बेड लग, अच्छा तो यार कारपेट के ऊपर बेड नहीं लगता, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। एंड तो चलो यार यहाँ पे लगा दिया हमें वो एंड पहले एक मिनट ये दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, तो ये मैं सोते हुए ना देख ले पहले। वाओ यार ब्रेड भाई, मज़ा आएगा खाने में। तो चलो यार दरवाजे को बंद करते हैं, जाते हैं हम सो। ओके गाइस, आपको मेरी तरफ से सभी को गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सो कैसे आप सभी लोग। सो गाइस यार अभी मैं उठ चुका हूँ एंड एक मिनट मेरे को क्या दिखा अभी, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने क्रीपर देख, अबे हाँ यार क्रीपर देख लिया। एक मिनट, क्रीपर था यार कहाँ पे रहा है, इसको फॉलो करते हैं यार। कुल्हाड़ी निकालो अपनी, कुल्हाड़ी के मदद से इसको मारेंगे साले को, इसने नाक में बहुत दम कर रखा है। इन क्रीपर जात भी ना बहुत गंदी होती है, इसके हाथ होते नहीं लेकिन फिर भी लोगों को मारने के लिए तुले रहते हैं। कहाँ पे गया? अरे वो रहा क्रीपर ताऊ, कैसे हो? एक मिनट, ये मेरी तरफ क्यों? अच्छा यार मेरे को इंट्रैक्शन हो गया, तुम तो ये मेरे को मारने आ रहा है। ओ ताऊ हट जा, पड़ी दो पड़ गई इसके, एक दो और मारता हूँ तो देखता हूँ मरता कि नहीं। ओ यार फट गया, इसने मेरी दो ढाई हार्ट वेस्ट कर दिया यार। एक मिनट यार, इतना नुकसान करके गया है तभी मेरे को ये क्रीपर जात अच्छी नहीं लगती। तो यार क्या करें अभी इन जैसे क्रीपर्स का क्या कर सकते हैं हम। एंड गाइज अगर आपको भी पसंद नहीं है क्रीपर जात तो यार कमेंट में हेट लिख दो, हेट कर दो क्रीपर हेट। तो यार अपने घर को देखते ही बहुत मज़ा आ रहा है गाइज। सो गाइस ये मेरे को ताऊ थोड़े मिल रहे हैं, इनसे बात करके देखता हूँ एक बार। हेलो अंकल ताऊ, हेलो अंकल जी। चलो यार ये तो बात कर नहीं रहे हैं, दूसरे वाले अंकल को ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पे है वो वाले अंकल। यहीं पे होंगे उनका घर, यहीं पे। अरे यहाँ पे भी नहीं है। चलो यार दरवाज़ा बंद करो, कोई और अंकल। वो रहे ये, अच्छा वही है, वही अंकल है ये तो। हेलो बात कर रहे, मूवी फेर ले रही है मेरी बार में, तो क्या ही करेंगे। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि वो यही थे, मेरे यहीं पे थे यार अभी अंकल वो वाले। एक मिनट देख के आते हैं एक बार फिर से, वो मिल गए, कोई और अंकल मिल गया। हेलो अंकल जी नमस्ते।
हेलो गाइस, यार ये अंकल वाले ना बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। अंकल ये बुला बात ही नहीं कर रहे। चलो गाइस यार अंकल जी से बात हो गई। अंकल जी नमस्ते, एक मिनट नमस्ते करते ही इनको तो फार्मर की जॉब मिल गई। भाई साहब क्या ही तगड़े सीन हो रहे हैं। सो गाइस मैं अभी किसी के घर में यार मेरे को घर ही नहीं मिल रहा, मैं किसी के घर में चला गया गलती से गाइस। सो गाइस यार अभी मैं अपने घर से निकल रहा हूँ एंड बैल को बजा देते हैं। जैसे भी मैंने आप इस बैल को बजाया है वैसे भी आप भी सब्सक्राइब के साथ उस बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे चैनल की कोई भी न्यू वीडियो आए ना आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यार चलो अभी इसके बीच में यार खेती के बीच ओ भाई डूब गया। चलो यार यहीं पे फार्मिंग की जॉब मिली होगी। सो गाइस यार अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।